हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल्स पे। आज जो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि एक नया चीज़ सीखेंगे। जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं उनको क्या होता है कि बहुत सारा नोट्स बनाना पड़ता है, उसको PDF फाइल में कैसे सेव करके रखें, कैसे हम लोग बेस्ट कैमरा स्कैनर क्या रहेगा हमारे जो PDF फाइल के लिए या फिर कैमरा के लिए, जो बच्चे नोट्स बनाते हैं या फिर जो किसी रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं उसको अपना क्या है कि फ़ोटो खींच करके PDF फाइल बनाना है, कैसे बनाएंगे बेस्ट जो है क्वालिटी, जो है पिक्चर का क्वालिटी अच्छा आना चाहिए, तो वो कैसे बनाएंगे, तो आज के लाइव सेशन में बस मैं यही डिस्कस कराऊंगा। तो सबसे पहले जो आपको क्या करना होगा, बेस्ट जो कैमरा स्कैनर है वो आता है कैम स्कैनर करके। तो जो ये कैम स्कैनर जो ऐप है ये आपको मिलेगा कहाँ पे, सबसे बड़ी बात है। क्या इसका हमें कुछ कॉस्ट भी पे करना पड़ेगा, ये भी जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो मैं बताना चाहूँगा ये इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर पे। तो आप प्ले स्टोर से जस्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कैमरा स्कैनर को, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्जेस आपको नहीं देना होगा। तो ये जो कैमरा स्कैनर है कैसे काम करता है उसको हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ सीखेंगे कि किसी इमेज को हम लोग PDF फाइल में कैसे बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैमरा स्कैनर को ओपन करते हैं। जब यहाँ पे कैमरा स्कैनर को आप ओपन करेंगे तो क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलता है, कैसे हम लोग सीखेंगे फ़ोटो खींचने के बाद PDF फाइल कैसे बनाएंगे, किस तरीके से ये काम करता है, इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कुछ फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो फ़ोटो क्लिक कहाँ से करेंगे, जब आप यहाँ पे नीचे की तरफ एक कैमरा का बटन देख रहे होंगे, इस कैमरा के बटन को क्या करना होगा, सिंपली आपको क्लिक करना होगा। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, चलिए मैं यहाँ पे एक फ़ोटो खींच रहा हूँ इसका, ठीक है। तो देखिए इसका क्वालिटी कैसा हो जाएगा, अभी आप नॉर्मल कैमरा से इस तरीके से देख रहे हैं, ये जो है मेरा क्लिक हुआ नॉर्मल कैमरा से इस तरीके से। अब देखिए दूसरा पॉइंट इसमें क्या बड़ी अच्छी बात है कि आप जितना दूर चाहें इसको क्रॉप कर सकते हैं। तो हमको क्या चाहिए कि ये वाला जो इमेज मैंने यहाँ खींचा है इसको इतना दूर चाहिए, इसको इधर से मैं कटिंग करूँगा, चलिए बराबर मुझे इतना ही साइड चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल यहाँ पे जो सही का निशान है इस पर आपको क्लिक करना होगा। चलिए मैं यहाँ पे सही का निशान पे क्लिक किया, अब देखिए ऑटोमेटिक इमेज कैसा हो गया और कितना इसमें लाइटनेस आ गया, ब्राइटनेस कितना बढ़ गया और किस टाइप से लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो बस आप इसी तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सेव करने के लिए यहाँ पे आपको फिर से सही के निशान पे क्लिक करना पड़ेगा। चलिए मैं फिर से सुबह क्लिक किया सही के निशान पे। मान लीजिए कि ये पहला बात हो गया कि मुझे एक ही पेज का करना है, यदि मुझे बहुत सारे नोट्स बनाना है एक ही फाइल में तो कैसे करेंगे। जैसे मैंने एक यहाँ पे फोटो क्लिक किया, उसके बाद हमको कोई दूसरा पेज का भी करना है बस इसी में, तो आप सिंपली आप फिर से क्या करेंगे, ये जो कैमरा का जो बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे। चलिए मैं फिर से यहाँ पे कैमरा का बटन क्लिक किया, अब देखिए इसका जो दूसरा पेज है, चलिए मैं उसको यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ। चलिए ये जो हो गया मेरा दूसरा पेज हो गया, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये क्लिक हो गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा आ रहा है, इधर आ रहा है उधर आ रहा है, तो बस आपको क्या करना है थोड़ा सा इसको घींच करके जितना बड़ा चाहिए जिस टाइप से चाहिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए मैं इसको इतना यहाँ पे लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर से आपको सही पे जाना है, सही का जो निशान है इस पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे सही के निशान पे क्लिक किया, देखिए इमेज कितना अच्छा आ गया। अब फिर से आप इसको सही पे क्लिक कर दीजिए, सही पे मैंने क्लिक कर दिया, अब देखिए ये मेरा दो आ गया। अब हम मान लीजिए कि अब हमको इसको क्या चाहिए, इमेज का फॉर्मेट में चाहिए कि PDF चाहिए, तो एक एक करके सब मैं बताऊंगा। यदि हमें इमेज का फॉर्मेट में चाहिए तो आप सिंपली जो यहाँ पे जो शेयर वाला जो बटन दिया हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे। चलिए मैं क्लिक करके दिखा रहा हूँ, जब आप इस पर क्लिक करेंगे अब देखिए आपको क्या चाहिए, इसका PDF फाइल चाहिए ये दोनों का, या आपको इमेज चाहिए या फिर डॉक्यूमेंट का लिंक चाहिए, क्या चाहिए आपको सब चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमें तो फिलहाल तो सबसे पहला चीज़ इमेज चाहिए, तो इमेज पे मैंने क्लिक कर दिया। जब आप इमेज पे क्लिक करेंगे उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको सेव टू गैलरी का जो ऑप्शंस आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ सेव टू गैलरी पे क्लिक कर दिया, ये देखिए इमेज मेरा गैलरी में सेव हो गया। चलिए मैं अपना गैलरी में जा करके एक बार आपको दिखा देता हूँ कि ये मेरा गैलरी में आया या फिर नहीं आया। तो आप देख सकते हैं जो मैंने इमेज वहाँ क्लिक किया था वो सामने गैलरी पे आपका दिख रहा है, दो इमेज मैंने क्लिक किया। अब दूसरा बात आता है कि ये जो मैंने यहाँ पे क्लिक किया इसका हमें क्या करना है, PDF फाइल चाहिए, हमें क्या चाहिए इसका PDF फाइल चाहिए। तो फिर से आप क्या कीजिए, शेयर के बटन पर या फिर डायरेक्ट PDF पर जा करके कर सकते हैं। तो फिलहाल तो एक ही में हम लोग काम चलाते हैं, शेयर के बटन पर जाते हैं, उसके बाद PDF पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो PDF का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना होगा। चलिए मैंने PDF पर यहाँ क्लिक कर दिया, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको किसी में सेव करना पड़ेगा। तो किस में आप सेव करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा बात रहेगा या फिर व्हाट्सएप में किसी को शेयर करना चाहते हैं, अपने बॉस को कोई बिजनेस का काम है उसको शेयर करना चाहते हैं तो आप वहां से क्लिक कर सकते हैं, या फिर अपने ड्राइव में रखना चाहते हैं तो सेव टू ड्राइव में क्लिक कर दिए। चलिए मैं यहाँ पर सेव टू ड्राइव में क्लिक कर दिया,
ये देखिए अब डॉक्यूमेंट का कुछ नाम, चलिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ, मेरा ही नाम दे देता हूँ अजय PDF, ताकि खोजने में आसानी हो। तो ये मेरा हो गया आप सेव। अब देखना चाहते हैं कि कैसे यहाँ पे सेव हुआ है, डाउनलोड हुआ कि नहीं, तो यहाँ पे आप अपलोड सक्सेसफुल में जाकर के देख सकते हैं। ये मेरा आ गया, यहाँ पे बहुत सारा फाइल है। तो मेरा जो डॉक्यूमेंट क्या मैंने लिखा था अजय PDF, तो अजय PDF जो यहाँ पे आपको दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर मैंने क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डाटा जो है मेरा ऑन नहीं है अभी इसके लिए, नहीं तो यहाँ पे तुरंत ऑटोमेटिक ओपन हो जाता। तो इस टाइप से किसी का भी आप फोटो खींच सकते हैं। आप अपना एजुकेशनल का जो नोट्स बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, बिजनेस का कोई नोट्स बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, उससे आप इमेज या फिर फोटो जैसा चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर इस टाइप का वीडियो आपको अच्छा लगता है और देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।